वेलकम टू माई चैनल डिजिटल फ्रिक्शन इवल एडवांटेजेडवां इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे को इवल क्यों बोला जाता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड वट आर दिसजे और हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और फ्रिक्शन होता क्या है उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां जाके चेक कर सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन अननेसेरी ईवल और एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हमें ये पता है कि फ्रिक्शन हमारी लाइफ को डिफिकल्ट कर देता है बट स्टिल हमें हमारे लिए फ्रिक्शन जरूरी है एक नेसेसिटी है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो वो क्या है तो हम देखते हैं कहा हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है हम एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां पे फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है दैट इज वॉकिंग हम वॉक कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन हमारी कैसी हेल्प करता है वॉक में कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारा फुट ग्राउंड को बैकवर्ड की तरफ पुश करता है और हमारे शू और ग्राउंड में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एक नेसेसरी ग्रिप प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं फॉरवर्ड हम आगे चल पाते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन टू वॉक थर्ड एग्जाम्पल और एडवांटेज इज राइटिंग ऑन अ बोर्ड हम जो है बोर्ड पे लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि जब हम चौक से ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे राइट करते हैं लिखते हैं तो जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो बोर्ड के रफ सरफेस पे चल आ, फिल हो जाते हैं तो इसकी वजह से ही हम जो लेटर्स हैं वो देख पाते हैं जो भी उस आ, हमने चौक से लिखा है हम उसे देख पाते हैं उसे पढ़ पाते हैं द सेम द द्हाइट बोर्ड ऑल्सो तो व्हाइट बोर्ड में जब हम ब्लैक मार्कर से लिखते हैं तो व्हाइट बोर्ड के जो रफ सरफेस होता है जो इरेग्युलेटरीज होती हैं उसमें ब्लैक मार्कर की इंक किसी भी मार्कर की चाहे ब्लू हो रेड हो उसकी इंक जो है उस सरफेस में चली जाती है फिल हो जाती है तो आप जो भी उस मार्कर से लिखते हैं आप उसे उस लेटर्स को वर्ड्स को सबको देख पाते हैं पढ़ पाते हैं सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी आर एबल टू सी द लेटर्स तो अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो आप बस ऐसे ही हाथ चलाते रहते बोर्ड के ऊपर लेकिन आपको वहां पे कुछ लिखा ही नहीं जाता तो हम लेटर्स को पढ़ नहीं पाते थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं जो एडवांटेज है होल्डिंग अ बॉटल तो होल्डिंग अ बॉटल क्या कोई भी चीज हो अगर आप अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वो जो है आपके हाथ से फिसलती नहीं है वो आपके हाथ से क्यों नहीं फिसलती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो आपके हैंड जो आपके मतलब बेसिकली जो पाम और जो बॉटल के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा हुआ है उसके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है तो जिसकी वजह से वो चीज नीचे आपके हाथ से गिरती नहीं है आपके हाथ से फिसलती नहीं है लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ड्राइविंग अ कार हम जो एक कार है उसे हम ड्राइव कैसे कर पाते हैं हम ड्राइव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो कार के टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कार को मूव करने के लिए ग्रिप प्रोवाइड करता है तो इसीलिए कार जो है आगे मूव कर पाती है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी आर एबल टू ड्राइव अ कार तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो क्या होगा कि कार और टायर के उस रोड के बीच का ग्रिप नहीं बन पाएगी तो कार जो है अपनी जगह से मूव हो ही नहीं पाएगी वी विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अब तक हमने देखा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन अब हम देखते हैं डिसडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं जो डिसवांटेज है फ्रिक्शन का दैट इज हीट जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करता है एग्जाम्पल हम लेते हैं आपने ये शूज ऐसे शूज देखे होंगे कि आपके शू, शू का सोल जो है वो वियर आउट हो जाता है थोड़े टाइम बाद वो फट जाता है तो वो क्यों होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट तो जो हीट जो फ्रिक्शन जो हीट प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से शूज के सोल जो है वो डैमेज हो जाते हैं आप दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मशीन का आपने मशीन देखी होंगी उसके बॉल बेरिंग्स कभी उसके स्क्रूज जो हैं वो भी खराब हो जाते हैं बिकॉज जो फ्रिक्शन जो है हीट जनरेट करता है उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो इसकी वजह से मशीन भी, uh, machine efficiency भी लौ, हो जाती है उनके कभी कुछ कोई ना कोई पार्ट जो है उनके खराब होते रहते हैं तो सोल ऑफ श्यू गेट्स डैमेज बिकॉज ऑफ हीट एंड मशीन गेट्स डैमेज बिकॉज ऑफ हीट तो ये जो फ्रिक्शन जो हीट प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से जो एफिशिएंसी है चीजों की वो कम हो जाती है नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन हम जब चाहें फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अभी हमने लास्ट में पहले देखा था कि फ्रिक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करता है तो हीट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि मशीन्स की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है उनकी कोई ना कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे शूज हैं उनकी सोल खराब हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने हिसाब से फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट जो खराब हो रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से उनकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकें उनकी एफिशिएंट उनको हम और एफिशिएंट बना सकें तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो हम आगे देखते हैं तो लेट्स सी हाउ वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे राइडिंग राइडिंग uh, या फिर राइडिंग ऑटोमोबाइल कुछ भी हो तो उसमें इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं ब्रेक पैड जो होते हैं ब्रेक सिस्टम को ब्रेक सिस्टम में उन्हें हम यूज करते हैं तो हम जब या फिर कोई भी बाईसाइकिल जब भी आप मतलब वो जब मूविंग में है तब तो ब्रेक पैड जो है व्हील को टच नहीं कर रहे बट वेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर जैसे आप ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं तो जो ये पैड्स होते हैं वो जो रिम्स का जो मोशन होता है, उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो पैड्स है वो मोशन जो है रिम का उसको रोक देते हैं तो जिसकी वजह से व्हील स्टॉप मूविंग और जो आपको ऑटो में व्हील है वो रेस्ट पे आ जाता है वो रुक जाता है तो आपने क्या किया है ब्रेक पैड्स को यूज करके आपने फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दिया तो जैसे ही आपने फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं तो जो आपका ऑटोमोबिल है वो रुक जाता है तो यूजिंग ब्रेक पैड्स वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन एंड एनी ऑटोमोबिल और साइकिल वट एवर वो स्टॉप इट गेट्स स्टॉप तो वो रुक जाती है तो हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कबड्डी प्लेयर्स में आपने देखा होगा कि वो अः तो हमेशा अपने हाथ को बे मिट्टी लगा लेते हैं तो वो मिट्टी क्यों लगाते हैं कि उससे क्या होता है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं तो जो उनका ओपोनेंट है उस पर उनकी अच्छी ग्रिप आ सके उनको अच्छे से पकड़ पाए या फिर आप जिमनास्ट में देखेंगे जिमनास्ट जो होते हैं वो भी व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस अपने हाथों में लगाते हैं क्योंकि वो उससे क्या करते हैं वो अपने फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं कि उनकी ग्रिप जो है जो चीजें उन्होंने पोल जो भी उन्होंने पकड़ना है तो उन पे उनकी ग्रिप अच्छे से बन सके तो इस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं अब हम देखते हैं हाउ वी कैन डिक्रीज फ्रिक्शन हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं तो हम मशीन से एग्जाम्पल लेते हैं हमने देखा था कि जो मशीन के मूविंग पार्ट होते हैं जब वो मूव करते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो हीट जो प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो मूविंग पार्ट है मशीन के उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है और एक पॉइंट पे आके वो खराब हो जाते हैं हमें उन्हें ठीक कराना पड़ता है तो उस चीज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम फ्रिक्शन जो उन मूविंग पार्ट है उनका उसके बीच का फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकें तो वो हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इन्हें यूज करके हम उस उन मूविंग पार्ट्स के बीच का फ्रिक्शन जो है उसे हम डिक्रीज कर सकते हैं तो जब हम ऑयल ग्रीस या फिर ग्रेफाइट अप्लाई करते हैं जो मूविंग पार्ट है मशीन का जो मूव करता है तो उसमें क्या है कि जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो वहां उसके बीच में एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है तो मूविंग सर्फेसिस जो होते हैं उनके बीच में एक थिन लेयर फॉर्म्ड हो जाती है तो जो उस मूविंग सर्फेसिस की जो इरेग्युलरिटीज हैं क्योंकि वो रफ सर्फेसिस होते हैं तो उनकी इरेग्युलरिटीज हैं तो जब वो थिन लेयर फॉर्म हो चुकी है ये ऑयल की वजह से तो ऑयल ग्रीस की वजह से तो वहां पे इंटरलॉकिंग अवॉइड हो जाती है इंटरलॉकिंग नहीं होती है तो इसकी वजह से वो मूवमेंट जो है उनकी स्मूथ हो जाती है तो जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तो हम इस तरह से फ्रिक्शन जो है मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन में फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं और उन मशीन के पार्ट्स की एफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं तो यूज यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस और ग्रेफाइट हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन तो आप इस तरह से इनको यूज करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और इनकी एफिशिएंसी को उन चीजों की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और ये जो सब्सटांसिस होते हैं जो बेसिकली जो यूज हो रहे हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए उन्हें लुब्रिकेंट्स कहा जाता है तो जो जो यूज होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए दे ऑल आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स तो हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं डोर का आपने देखा होगा जब आप डोर ओपन करते हैं कई बार डोर में से अजीब सी आवाज आने लग जाती है तो आप वहां पे क्या करते हैं जो डोर के हिंग्स होते हैं तो वहां पे आप ऑयल डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है डोर की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है तो डेट ऑयल वो भी वो क्या हुआ लुब्रिकेंट क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वहां पे उसने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया एक थिन लेयर फॉर्म होगी तो जब वो मूवमेंट हो रही थी उस हेंग्स की मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को उसने स्मूथ कर दिया वहां पे एक थिन लेयर बना दी तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए थैंक्स